आप देख रहे हैं कोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच। दोस्तों स्वागत है आपका कोल इंडिया न्यूज में, और आज विशेष रिपोर्ट लेकर के मैं आया हूं, संपादक मनोज कुमार पांडे। मनेर में एक बहुत विचित्र घटना देखने को मिल रही है, लोगों में हाहाकार है और प्रशासन की नजर नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। और सबसे बड़े उस चीज की सावधानी बरतनी है जो आपको, हमको, समाज को, देश को सबसे जोड़ कर रखता है, और उस यंत्र का नाम है मोबाइल। दोस्तों आज छोटा से छोटा भी मोबाइल लिया जाए तो उसकी कीमत कम से कम 5000 रुपये होगी। अगर ऊंचे स्तर पर आप हैं, अच्छे प्रोफाइल में हैं, तो उसकी कीमत लाखों तक की होती है। लेकिन सक्रिय एक बच्चों का गिरोह आपके मोबाइल को गायब कर सकता है, वो भी आपके आंख के सामने जादुई तरीके से। ऐसे में हमें, आपको और यहाँ के सभी लोगों को, या जो लोग मोबाइल रखते हैं उनको बिल्कुल अपने मोबाइल की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए प्रशासन मात्र एक एप्लीकेशन लेकर के छोड़ देगी, क्योंकि अगर वो प्रयास करती है तो समय लगेगा। और ऐसे में जो सक्रिय चोर गिरोह है, जो मोबाइल की चोरी कर रहा है, उस पर पैनी नज़र आपको और हमको रखनी होगी, क्योंकि अगर आप प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो उस चोर को गिरफ्त में लेकर आपके मोबाइल को उपलब्ध कराएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा ही एक मामला आया है जो कि मनेर के पड़ाव पर एक दवा की दुकान में एक महाशय के जेब से बिल्कुल जादुई तरीके से उस मोबाइल को गायब किया गया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस शख्स के चेहरे को गौर से देखिए और आसपास में ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह सक्रिय है और ये उस दुकान पर खड़ा हो जाता है जहां पे 3-4 ग्राहक खड़े होते हैं। अगर ऐसा बच्चा नजर आ जाए तो समझो आप मनेर से इस गिरोह का सफाया कर सकते हैं। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी कराएं, क्योंकि हालात इतना बिगड़ चुका है कि जहां तक सुनने को आया है कि आए दिन मोबाइल जो है वो गायब होती चली आ रही है। अगर पता चल जाता है तो कहते हैं कि हमारा चोरी हो गया, और नहीं तो ये समझते हैं कि कहीं गिर गया। लेकिन हालात कुछ और है। जब पोल इंडिया न्यूज ने इसकी तहकीकात की तो सामने एक फुटेज आया, जिस दुकान पे जिस महाशय का मोबाइल जादुई तरीके से गायब हुआ, उन्होंने सीसीटीवी के माध्यम से एक फुटेज उपलब्ध कराया। अगर यह फुटेज उपलब्ध नहीं होता तो जिन महाशय का मोबाइल जेब से निकाला गया है वो घर जाकर के उस मोबाइल को ढूंढते और यही सोचते कि मेरा मोबाइल कहीं गुम हो गया। लेकिन हकीकत कुछ और है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सर पर हाथ रखे ये शख्स और इनके जेब में एक कीमती मोबाइल आपको नजर आ रही है। ये महाशय सर इसलिए पकड़े हुए हैं कि इन्हें बीपी की शिकायत का पता चला है और दवा लेने स्थानीय मेडिकल दुकान पर पहुंचे हैं। वहीं इन्हीं के साथ वो वारदात हुई है। देखिए ये बच्चा किस तरीके से मोबाइल को गायब करता है। बीच में आया ये बच्चा, गौर से देखिए। हाथ में कागज का एक टुकड़ा उस मोबाइल के ऊपर लाता है और महाशय को ये नहीं पता चलता कि उनके जेब पर आक्रमण हो चुका है। ऐसे में वो पता नहीं क्या सोचते हैं, और देखे वो लड़का उस कागज के साथ मोबाइल को गायब कर दिया। कितना चालाकी से, कितना जादुई ढंग से इस काम को अंजाम दिया आप देख सकते हैं। देखिए यही लड़का बीच में आया, उस कागज के टुकड़े को धीरे धीरे इन महाशय के जेब के ऊपर ले गया
और सीधा नजर पड़ने के कारण अभी कागज को नहीं हटा रहा है, दुकानदार की सीधा नजर उस कागज पर पड़ रही है। जैसे ही वो घूमते हैं, ये देखिए धीरे धीरे कागज के साथ मोबाइल गायब हो गया। तो ये बहुत ही सावधानी बरतने की बात है। आप हों, हम हों या फिर और लोग हों, सभी लोगों को ये बताएं कि ये ग्रुप बड़ा ही सक्रिय है और जादुई तरीके से आपके जेब से मोबाइल गायब कर सकता है। देखिए गौर से, महाशय शुरू से अब तक सर पे हाथ रखकर सिर्फ बीपी की दवा के बारे में सोच रहे हैं। तब तक उनका कीमती मोबाइल उस कागज़ के ज़रिए गायब हो जाता है, बहुत ही जादुई तरीके से। देखकर हैरानी होती है कि इतना छोटा सा बच्चा, इतना एक्सपर्ट कि करीबन 5-6 लोगों के बीच इस काम को अंजाम देता है और किसी की नज़र नहीं पड़ती है, तो क्या कहा जा सकता है। अगर ये सीसीटीवी में मामला दर्ज हुआ है तो स्वाभाविक है इसमें कानूनी प्रक्रिया आनी चाहिए। जब हमने बात करने की कोशिश की महाशय से तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मोबाइल आपके कैसे गायब हुआ? मैंने ये अपने पेट्रोल पंप से दवा लेने के लिए हम प्रमोद जी की मेडिकल दुकान में गए, नवीना सिंह स्मारक के पास जो है वहीं दवा ले रहे थे। उसी दौरान जो है एक छोटा सा लड़का है, हमको तो पता नहीं चला, लेकिन उनके सीसीटीवी फुटेज में जब देखे तो पता लगा एक छोटा सा लड़का आ रहा है और एक पेपर जो है सामने से ढक दिया और पॉकेट से मोबाइल निकाल लिया। और इस विषय में हम मनेर थाना को भी सूचना दे दिए हैं, थाना दर्ज करा दिए हैं। अच्छा, तो ये लड़का जो देखा गया वो कितने साल का होगा? वो लगभग 14-15 साल का है। तो आपने थाना में मामला दिया, थाना क्या कहा? थाना में बोले कि सनहा दर्ज करा दीजिए, हम IMEI नंबर दे दीजिए तो हम इसको ट्रैकिंग में डाल देंगे और जहाँ भी कहीं सिम मोबाइल में लगाएगा तो आपको पता चलेगा। आप देख रहे हैं कोल इंडिया न्यूज़, सिर्फ